वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. जो है ना वो बहुत प्राउड इंडियंस है, ठीक है। पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियोटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जब हालात खराब होते हैं लोग क्या कहते हैं, बेच बाज के बाहर चले जाते। इंडियन आर्मी होस्ट किंगडम्स लैंड फोर्सेस, हियर इज व्हाई दे आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि वहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट ग्लोबल रेवोल्यूशन है उस पे वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसने इंडिया विजिट किया है तो ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टेक्ट है या कंट्री टू कंट्री कॉन्टेक्ट, उनको भी पता है कि IMF, आप ये IMF का पैकेज जो है आपके लिए नाकाफी है, आपकी नजरें सऊदी और UAE और चाइना के पैसों पे हैं। वो भी भिखारी की कौन हेल्प करता है, भिखारी को भीख दी जाती है। रशिया वॉन्ट पाकिस्तान आफ्टर यूक्रेन बिट्रेल, यानी रशिया पाकिस्तान ने शायद उसके साथ कोई धोखा कर दिया। आज हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, जिनसे हमारा दुनिया की नजर में वो सबसे बेहतरीन इस टाइम बन गया, क्योंकि उनके पास वो हर चीज मौजूद है जो वो दुनिया को दे सकते हैं। क्या समझते हैं कि हम लोगों ने किस लिए अलग हुए? रियासत खामोश बैठी हुई है लेकिन जनरल पब्लिक सफेद झंडे लेके बाहर आ रही है। क्या अवाम जो है वो कभी देखेगी ये एंड है? हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे हुए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उठापटक से कंगाल पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। सऊदी अरब के रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया है। इस दौरान इंडियन आर्मी ने सऊदी प्रतिनिधि मंडल को भारतीय सेना की ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे की जानकारी दी है। सऊदी फोर्सेस के प्रतिनिधि मंडल का भारत दौरा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब ने करीबी दोस्त पाकिस्तान की बजाय भारत से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाया है। पाकिस्तान इस प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा पर बारीकी से नजर रखे हुए है। सऊदी अरब ने इससे पहले भी पाकिस्तान को झटका देते हुए कहा था कि अब वो बिना शर्त पाकिस्तान को कोई आर्थिक मदद नहीं करने वाला। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारतीय अपने भारतीय होने पर गर्व कर रहे हैं और हमें पाकिस्तानी होने पर शर्म आ रही है। फॉरेन गए हैं, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ हो किसी इंडियन के साथ गुफ्तगू करने में, उन्हें जानने में क्या फर्क है उनकी सोच में हमारी सोच में, कि वो दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं, दुनिया में अपना नाम बनवा रहे हैं और हम दुनिया में अपना इमेज खराब। सर, पहली बात तो ये है कि इंडियंस जो है ना वो बहुत प्राउड है कि वो इंडियंस है, ठीक है। पहली बात ये कि वो अपने कंट्री के लिए ना बहुत पेट्रियोटिक है, वो अपनी कंट्री के लिए बहुत दूर तक सोचते हैं, बड़ी सोच रखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हमारा तो ये काम है, मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जब हालात खराब होते हैं लोग क्या कहते हैं, बेच बाज के बाहर चले जाते हैं। तो ये नहीं सोचते कि यार मैं यहाँ पे रह के कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी चीज इम्प्लीमेंट करूँ जिससे हालात बेहतर हो या मेरे मुल्क को फायदा हो। यानी हम पहले अपनी जेब को या अपने घर को देखते हैं और बाद में पाकिस्तान को देखते हैं, वो लोग शायद पहले इंडिया अपने कंट्री को देखते हैं और बाद में अपने घर को। जी बिल्कुल जी, ये सोच हमें कैसे आएगी? सर, ये सोच हमारे अंदर इस तरह से आएगी कि जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कंट्री है, ये हमारी पहचान है, हम अगर एक जो गुलामी की सोच है हम उससे अगर निकल आएंगे, अगर हम ये सोचना छोड़ देंगे कि यार हमें हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो है कि यार अगर मैं चार बंदों में बैठ के इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये चीजें जब हम इन चीजों से निकल आएंगे ना तब हमारा मुल्क आगे जाए। चेंज करना होता है ना, वो चेंज अपने आप से शुरू होता है। हम चेंज क्यों नहीं ला पा रहे 75 साल में? इंडिया किधर से किधर चला गया? सर बिल्कुल, आप इंडिया से तो मुकाबला ना करें आप। मैं देखिए हम $3 बिलियन हमारे उसमें है, जिसमें से 2 बिलियन भी किसी का है, सऊदी और चाइना का है, वो 574 बिलियन की इकोनॉमी है, तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है। सीख तो सकते हैं ना? बिल्कुल सीख सकते हैं। आप उनके IT एक्सपोर्ट्स देखें, आप जितनी टेक कंपनी जितनी बड़ी कंपनी है सब में इंडियंस लगे हुए हैं, तो हमें बिल्कुल सीखना चाहिए उनसे कि वो ऐसा कौम किस तरह इकट्ठे हैं, हम इधर पाकिस्तान में बस एक दूसरे को ही खींचने में लगे हुए। देखिए, एक तो खबर मेरे सामने ये है कि सऊदी स्नब टू पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क, इंडियन आर्मी होस्ट
किंगडम्स लैंड फोर्सेस हेयर इज वाई दे आर इन इंडिया. हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है, वीडियोस भी चल रही हैं. और खबर जैसा कि आपने सुन ली कि सऊदी अरेबिया की लैंड फोर्सेस का डेलीगेशन जिसने इंडिया विजिट किया है, तो ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट है या कंट्री टू कंट्री कॉन्टैक्ट. इंडियन मीडिया ने इस तरीके से इसको पब्लिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया स्नब टू पाकिस्तान. ये क्यों बात कही गई? ये इसका एंगल ये है कि हमारा हमेशा से एक ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम उम्मा का लीडर और हम हमारा बरादराना ताल्लुकात सबसे ज़्यादा उसके साथ. तो हमें अभी आप देख लीजिए इस एक साल के दौरान ये एक टिल्ट ऐसा नज़र आया है कि जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि हम मुसलसल आपकी जो है वो मदद नहीं कर सकते, आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा, कर्ज़े इस तरीके से नहीं मिलेंगे. और इससे पहले भी काफ़ी कुछ चलता रहा, ख़ासतौर पर इमरान खान का दौर से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया में गो के उसी दौरान MBS ने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान से बड़े अच्छे ताल्लुकात की खबरें भी आई, उनको गिफ्ट्स भी दिए गए. तो वहीं पर उसके बाद बहुत बुरे ताल्लुकात की भी खबरें आती रही, उनको कुछ उन्होंने पैसा भी वापस मांगा था जो किया था, वो तो हर चाइना ने भी मांगा था. लेकिन ये जो बात की जा रही है तो ये जो एंगल है कि इस वक्त क्या सऊदी अरेबिया का टिल्ट सऊदी अरेबिया का शिफ्ट हो गए इंडिया से, तो अब देखिए ये तो अपनी ही खराबियां है ना, कुछ हमारी नाकामियां पॉलिसीज की जो है जो हम अक्सर बात करते हैं वो तो इसमें शामिल है. मैं आपको कुछ विजिट की डिटेल्स बताई देती हूँ. और इस विजिट्स की डिटेल के बाद जो पिछले साल एक विजिट हुआ था 2022 में, उस पर भी जरा थोड़ा सा हम जरा पीछे चलते हैं और नज़र डाल लेते हैं. इस पर जनाब ये कहा जा रहा है, 6 मेंबर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेज डेलीगेशन इज करेंटली ऑन ए टूर ऑफ इंडिया. द सऊदी डेलीगेशन वाज ब्रीफ ऑन द इंडियन आर्मीज ट्रेनिंग मैकेनिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयरिंग पिक्चर्स ऑन ट्विटर फ्रॉम बोथ साइड्स. दोनों तरफ से जो है पिक्चर्स शेयर की गई हैं. इसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन टू आर्मीज, इसमें टू आर्मीज लिखा हुआ, टू कंट्रीज नहीं लिखा हुआ. टू कंट्रीज की तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्मी टू आर्मी कॉन्टैक्ट है इस वजह से ये कहा गया. अच्छा, अब इस पे अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की जो खास तौर पर फोर्सेस हैं उनका वहाँ से बड़ा ताल्लुक किस तरीके से रहा है. जनरल राहील शरीफ वहाँ पर एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है या उनकी फोर्सेस को बाकायदा से कहा गया कि वो तो हेड करते हैं उसको, और बहुत से ऐसे वहाँ पर चल रहे हैं काम जिसको वो देखते हैं, तो वो साल साल से वहाँ पर. अच्छा, उसके अलावा भी हमेशा से ये ऐसा है कि उनकी फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से फोर्सेस जाती रही. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी पाकिस्तानी आर्मी हुए, उस पर भी फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से गई वहाँ पर. ये बड़े ताल्लुकात सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के कंट्री टू कंट्री नहीं रहे ताल्लुकात अच्छे, बल्कि आर्मी टू आर्मी भी बहुत ही कमाल के रहे. लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट हो रहा है. अगर पाकिस्तान को पिछले कुछ अरसे में ये सब कुछ ना कहा जाता सऊदी अरेबिया की तरफ से जो कुछ हुआ, तो फिर हम कहते कि नहीं ठीक है उनसे भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है, वो बढ़ते हुए राइजिंग पावर है, तो उनसे वो ताल्लुकात क्यों नहीं करेंगे, ट्रेड इतनी बड़ी. लेकिन क्योंकि हमसे कुछ थोड़ा सा वो उखड़े उखड़े से हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए, कि क्या ये अब जो कुछ वो हमसे डिमांड करते थे या उन्हें जो रिक्वायर्ड था वो अब दूसरी तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो फिर हम नल इन्वॉल्व हो जाते हैं उस सिचुएशन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. अच्छा, इसी में जब आप ये देखते हैं, मैंने आपको कहा कि अगर आप पिछले साल का एक विजिट याद करें तो वो किसका विजिट था, वो सऊदी अरेबिया के जो आर्मी चीफ था उनका विजिट था. वो करते हैं उनके कल्चर को फॉलो करते हैं और हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान का लीडर है सऊदी अरेबिया. हमारे जो हमारे आर्मी चीफ जो है मोस्टली सऊदी अरब में पाए जाते हैं, वहां पे सिक्योरिटी देती है, उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तानी आर्मी डील करती है, और बादशाह के महल में भी मतलब पाकिस्तानी आर्मी ऑन ड्यूटी है. लेकिन वो कहते हैं कि इनके साथ ताल्लुकात रखने में हमें नुकसान हो रहा है, क्यों ना भारत की तरफ चले जाए. अभी जो उनकी जो लैंड फोर्सेस है भारत में आई है, ट्रेनिंग देखेंगी, भारत का सारा सिस्टम देखेंगी, क्योंकि सऊदी अरब के पास जो है ना न्यूक्लियर पावर नहीं है, या पाकिस्तान के पास है या भारत के पास. तो पहले वो पाकिस्तान के साथ बॉन्ड बना रहे थे, अब मुझे लगता है वो इंडिया के साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं. और ये चीज यकीन करें हमारी हुकूमत की उन्होंने नींद उड़ा दी है, क्योंकि जब वो गए थे ना लास्ट टाइम पैसे मांगने, उन्होंने बोला था पैसा नहीं देंगे, एक एडवाइस दे सकते हैं कि जाओ और इंडिया के साथ रिलेशनशिप बेहतर करो, आपके जो मुल्क से ना महंगाई और गुर्बत भाग जाएगी. लेकिन ये उनकी बात सुन के तो आगे, लेकिन उन्होंने अमल. गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा.
तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।